रुशाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट टुडे में। और आज का बाजार बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमने कल प्लान किया था, वही सपोर्ट्स वही रेजिस्टेंस जैसा हम सोच रहे थे वैसा ही बाजार आज फिर चला। तो यहाँ पे बाजार को अगर देखने की कोशिश करें तो आज का बाजार कैसा रहा, कहीं ना कहीं बाजार ने आपको एक साइन दिया कि वो 16,500 तक जा सकता है, उसको तोड़ने की कोशिश कर गया। मैंने आपको कहा था 16,000 अगर 400 के नीचे रहता है, वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग आती है, सस्टेन करता है तो हम और नीचे की बात करेंगे। 16,500 के नीचे वो गया भी हो, ओपनिंग में जब मॉर्निंग में खुला बाजार तो हमने 16,400 को छूते हुए देखा, उसके नीचे भी हमने निफ्टी को ट्रेड करते हुए देखा, बट कहीं ना कहीं पुलबैक आया बहुत ही जबरदस्त 16,800 के आसपास का, मतलब 400 पॉइंट की अच्छी खासी रैली हमको देखने को मिली। तो यहाँ पे ये पुलबैक हमको बता रहा था कि बाजार में वोलेटिलिटी बहुत है। 400 पॉइंट की वोलेटिलिटी अगर आपको एक दिन में दिखाई दे रही तो बहुत ही सुपनी वोलेटिलिटी रहती है, 400 से गिर के फिर वापस 500 के आसपास में 300 पॉइंट की वोलेटिलिटी यहाँ रहती है। तो मोटा मोटा निफ्टी अगर एक दिन में 800 पॉइंट ऊपर नीचे कर रही है, भाई बाजार बहुत जबरदस्त तरीके से वोलेटाइल है, आप समझ के रखिए। तो यहाँ पे 16,800 से 16,400 पॉइंट और 400 से वापस 16,800 से वापस 16,500 के आसपास, तो मोटा मोटा 300 पॉइंट, तो ये 700 पॉइंट हम समझ लेते हैं, करेक्शन कर देते हैं, 700 पॉइंट का बाजार वोलेटाइल है। मैंने आपको कहा था वोलेटिलिटी बहुत है, ट्रेडर्स के लिए ये बहुत ही बढ़िया जगह है, बट हाँ स्टॉप लॉसेस बहुत हाई होंगे, रिस्क बहुत हाई होगा, बट जो लोग लेवल्स पे काम करें, जिन लेवल्स की हम बात कर रहे हैं, आप पैसा बना ही रहेंगे। तो अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं आपके दोस्त पैसा बनाए, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, सारे लेवल्स के नोट्स बना लीजिए जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं, वो नोट्स आपके सामने रखने वाला हूं। फिर से निफ्टी की बात करेंगे, बैंक निफ्टी की बात करेंगे, गोल्ड क्रूड और सिल्वर की बात करेंगे। गाइस, हमने कमोडिटी सेक्शन और इक्विटी सेक्शन को क्लब कर दिया है, तो ये वीडियो आपको डेली रात को 10 बजे ये बताएगी कि हम निफ्टी में कैसे काम करने वाले, अगले दिन अपनी प्लानिंग आप कर सकते हैं और थोड़ी सी एनालिसिस करनी पड़ेगी आपको। मेरे हिसाब से जितना मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूं, आपको ज्यादा एफर्ट इसमें नहीं डालने पड़ेंगे, जो भी अपने फेवरेट इंडिकेटर्स हैं या जो भी आपकी स्ट्रेटजी आप इस पर लगा सकते हैं और अपना ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं। गाइस, इससे पहले आप आगे बढ़े, मैं आपसे को बताना चाहूंगा कि ये मेरी एनालिसिस है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। दिए गए लेवल्स पर ट्रेड करने की जिम्मेदारी प्योरली आपकी है, वो मेरी नहीं है। और अगर आप चाहते हैं, अगर आपको लगता है मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज एक लाइक प्रेस करके आगे बढ़े, मैं भी मोटिवेट हो जाऊंगा ताकि मैं आपको अगले दिन के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट और अच्छी मेहनत वाले कंटेंट आपको दे सकूं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं सबसे पहले निफ्टी का हम कैसे प्ले कर सकते हैं। अब निफ्टी की क्लोजिंग 16,625 के आसपास की दिखाई दी। निफ्टी का जो ब्रेकआउट आपको समझ में आएगा, जो मुझे लगता है निफ्टी का ब्रेकआउट 16,641 के ऊपर में बाजार सस्टेन करता है वॉल्यूम्स के साथ, ध्यान रखना गाइस, वॉल्यूम इज द की टू प्रॉफिट्स। यस, अगर वॉल्यूम है तो ठीक है, नहीं तो अगर वॉल्यूम लेस है तो वो फेक ब्रेकआउट्स हो सकते हैं। 16,641 के ऊपर में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखाई देता है, इंट्राडे के लिए वोलेटिलिटी सही रहती है और कहीं ना कहीं हो सकता है जैसा रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, कहीं ना कहीं हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में ये सब चीज़ें सेटल होती दिखाई दें। 16,641 के ऊपर 16,770 का मेरा एक लेवल दिखाई देता है, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, आप इसको फर्स्ट टारगेट भी कह सकते हैं, और इसके ऊपर चलता है तो T2 के लिए मैं हमेशा प्ले करता हूँ, विच विल बी माई सेकेंड रेजिस्टेंस, और यहाँ पे 16,900, तो ये लेवल है जिसको आप मार्क कर सकते हैं, जिसके आसपास आप खेल सकते हैं। और 16,641 के अगर नीचे में रहता है मार्केट, इसके नीचे में रहता है तो यहाँ पे फिर से सपोर्ट 16,512 के आसपास में निफ्टी तलाशी, बहुत ही मेजर सपोर्ट होगा, और उसके नीचे में 16,384, तो ये मेरे सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2 रहने वाले हैं, नीचे में आप टारगेट 1 और टारगेट 2 इसको कह सकते हैं। तो निफ्टी 16,641 के नीचे चलती है, छोटा सा स्टॉप लॉस लेके काम कीजिए, और 641 के ऊपर चलती है, छोटा सा स्टॉप लॉस लेके काम कर सकते हैं, कम से कम 2 टारगेट्स के लिए। तो गाइस, देखते हैं बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकती है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी 35,000 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट आज इंट्राडे में बनाया है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया बैंक निफ्टी 35,550 के आसपास में। अब इसके ऊपर की क्लोजिंग होती दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे मोटा मोटा 35,550 के आसपास का सपोर्ट बन जाता है। पहले भी बैंक निफ्टी ने यहीं पर कुछ टाइम बिताने की कोशिश की थी और यहीं से ही एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मूव मिला था, यहाँ पे एक सपोर्ट गया था, यहाँ भी टाइम बिताया था, तो अच्छी खासी मूव इंट्राडे में देखने को मिली थी। तो यहाँ पे फिर से एक बहुत ही क्रुशियल पॉइंट 35,550 के आसपास का बैंक निफ्टी का बन जाता है। तो यहाँ पे अगर हम आज की क्लोजिंग को पकड़े, बाजार को देखने की कोशिश करें, तो 35,550 अगर हमारा आज का बेस है, तो यहाँ पे जो बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट आना चाहिए, ब्रेकआउट बीओ मींस ब्रेकआउट, ब्रेकआउट आएगा कम से कम 35,721 के ऊपर में। अब इसके ऊपर चलता है तो पहला जो टारगेट और दूसरा टारगेट मेरा जो रहेगा अपसाइड मूवमेंट रहेगी, तो यहाँ पे 35,910 और 36,100 के आसपास में, और अगर बाजार में अच्छी खासा शॉर्ट कवरिंग आ जाती है तो 36,300 के आसपास भी बाजार निकल सकता है। बट अगर इसके नीचे में चलता है तो नीचे में सपोर्ट 1 कह सकते हैं, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, या इसको आप T1 T2, नीचे में जो लोग शॉर्ट करना पसंद करते हैं उनके लिए नीचे के टारगेट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे 35,721 के नीचे का बाजार रहता है, प्रेशर में रहेगा, तो 35,532
35,532 जो हाल फिलहाल सपोर्ट है, बहुत ही नज़दीक का सपोर्ट है, 35,549 के आसपास ही क्लोजिंग है। तो 35,532 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है, और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो 35,344 और 35,125 के आसपास बैंक निफ्टी को हम जाते हुए देख सकते हैं। चलिए देखते हैं गोल्ड, सिल्वर और क्रूड में कैसे काम कर सकते हैं। दोस्तों गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड मैंने कल आपको कहा था 51,984 के आसपास बाजार में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, अगर ऊपर तक जा सकता है और अच्छे से तेजी हो सकती है अगर ब्रेकआउट अगर होता है तो। पर 51,756 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस करेगा, मैंने आपको बाजार को कहा था। यहाँ पे बाजार को अगर देखने की कोशिश करें तो बाजार ने वही 51,700 के आसपास में ही काफी अच्छा टाइम बिताया, तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस का काम किया। तो अब यहाँ पे गोल्ड को अगर अपसाइड मूवमेंट देनी है तो 51,756 को वॉल्यूम के साथ ब्रेक करना होगा। तो यहाँ पे अगर उसके ऊपर अगर रैली आती है तो फिर हम 51,900 या 52,000 के आसपास की बात कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे 51,700 एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। यहाँ पे बाजार नीचे चलता है तो 51,400 जैसे अभी चल रहा है तो एक मेजर ब्रेकडाउन इसका हो चुका है। 51,529 के नीचे जब तक बाजार है वो ब्रेकडाउन में ही रहने वाला है। तो पहला टारगेट यहाँ पे 51,302 के आसपास में आता है, दूसरा टारगेट 51,076 के आसपास में, और तीसरा टारगेट 50,850 में। तो अगर देखें कि बाजार अब गोल्ड का बाजार मान लीजिए ये नीचे की मूवमेंट बनाता है और 51,000 के लेवल को तोड़ देता है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा गोल्ड को देखना। 50,900 के लेवल को तोड़ देता है तो यहाँ पे एक अच्छी खासी करेक्शन इसमें हो सकती है। समझ लीजिए इक्विटी इसकी प्रोपोर्शनेट नहीं चलेगी, इसकी इन्वर्स चलने वाली। गोल्ड और इक्विटी का जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं इन्वर्सली कोरिलेटेड है। तो बाजार में अगर आप देखेंगे अगर गोल्ड गिरने लगेगा तो आपको इक्विटी में कहीं ना कहीं तेजी देखने को मिलेगी। तो पैसा इक्विटी से गोल्ड में शिफ्ट होता है और गोल्ड से बाजार इक्विटी तक शिफ्ट होता है। जब भी वॉर सिनेरियोस होंगे, क्राइसिस होगा, तो हमेशा से गोल्ड के, सिल्वर के, क्रूड ऑयल के प्राइसेस के रेट बढ़ते ही बढ़ते हैं, क्योंकि वो एकदम से डिजास्टर मैनेजमेंट का काम करते हैं ना। तो यहाँ पे बड़े प्लेयर्स कमोडिटी में शिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं, गोल्ड में शिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, वो जैसे ही मार्केट इज आउट करने की कोशिश करते हैं तो वो वापस इक्विटी में बैक टू पवेलियन चल पड़ते हैं। दोस्तों फिलहाल सिल्वर की बात किया है तो 67,000 के आसपास सिल्वर चल रही है और 67,153 चला। तो यहाँ पे जो सपोर्ट मेन निकल के आ रहा है वो मुझे दिखता है 67,081 का, एक अच्छा खासा मेजर सपोर्ट रहने वाला है, जिसको बाजार अगर तोड़ता है, अगर यहाँ से तोड़ देता है तो 66,822 एक मेजर सपोर्ट 2 का काम करने वाला है, और उसके नीचे जो सपोर्ट रहेगा 66,564 एंड 66,306 ये हमारे इंट्राडे के सपोर्ट रहने वाले हैं, इसके ऊपर काम करेंगे। ये स्विंग सपोर्ट्स भी हैं बेसिकली, और ऊपर में अगर 67,081 को मेंटेन करता है, इसके ऊपर ही बाजार चलता रहता है, तो 67,341 विल बी फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड 67,600 विल बी सेकेंड रेजिस्टेंस, दिस विल बी माई सेकेंड टारगेट एंड 67,860 विल बी माई थर्ड टारगेट फॉर द डे। दिस इज हाउ वी कैन ट्रेड अबाउट दिस सिल्वर। चलिए देखते हैं क्रूड ऑयल के प्राइसेस क्या हो सकते हैं। दोस्तों क्रूड ऑयल एक ऐसी चीज़ है जो रशिया यूक्रेन की वॉर से डायरेक्टली रिलेटेड है। गैस की बात हो रही है, गैस सप्लाई की बात हो रही है, क्रूड ऑयल से सब कुछ निकलता है, ठीक है ना। ये मेन प्रोडक्ट है क्रूड ऑयल, जहाँ से क्रूड ऑयल निकलेगा वहाँ से फिर गैस भी निकलती है, बहुत सारी चीज़ें निकल जाती है ना। तो कहानी ये है कि सीधा सीधा जो इफेक्ट आएगा वो क्रूड ऑयल के ऊपर आने आना है। वॉर ज़्यादा गंभीर हो रही है, यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई ज़्यादा छिड़ी हुई है, तो यहाँ पे क्रूड ने तो एक तगड़ी रैली देनी ही देनी थी, पर 8,418 के आसपास अभी चल रहा है, तो यहाँ पे 8,464 एक टफ रेजिस्टेंस का काम करेगा अब क्रूड ऑयल के लिए। अगर समझ लीजिए यहाँ से बाजार नीचे चल पड़ता तो हम एक इंडायरेक्ट हिंट मिल जाती कि कहीं ना कहीं इक्विटी में भी ईज आउट होने वाला है, और 8,464 के नीचे में 8,372 बड़ी तेज़ी से देखने को मिलेगा, 8,281 ये भी लेवल बड़ी तेज़ी से देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर बाउंस मिलता है तो यहाँ प्ले कर सकते हैं छोटे से स्टॉपलॉस के साथ में, बट अगर 8,464 से ऊपर बाजार चलता है तो उसके ऊपर में एक मेजर रेजिस्टेंस रहने वाला 8,556, उसके बाद में 8,649। तो ये है लेवल हमारे क्रूड पे काम करने के। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये लेवल एनालिसिस आपकी हेल्प करेगी, अपनी स्टडी करके ट्रेड लीजिएगा। मार्केट बहुत वोलेटाइल है, जब प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट को बुक करते रहिए, बिल्कुल भी आप ये मत सोचिए कि रातों रात करोड़पति बनना है, लखपति बनना है, छोटे छोटे प्रॉफिट्स की आदत डालिए, अच्छी हैबिट होगी तो अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। अगर आप ट्रेडर नहीं है, टाइम नहीं है, तो स्विंग ट्रेडिंग में जाइए, पोजिशनल ट्रेडिंग में ही वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इक्विटी कमोडिटी को अगर कंपेयर करने की कोशिश करें तो इक्विटी हमेशा से एक सेफ इन्वेस्टमेंट रहेगी बजाय कि कमोडिटी की, क्योंकि कमोडिटी बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है, प्योरली डिमांड सप्लाई के ऊपर में, बट इक्विटी में डिमांड सप्लाई के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। तो इक्विटी से जहाँ लोग डरते हैं, इक्विटी एक मेजर प्लेयर बन जाता है, एक अच्छा सेगमेंट बन जाता है अच्छी ट्रेडिंग और अच्छी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। फाइनल डिसीजन आपका है, पैसे आपके हैं, जैसे आप डिसीजन लेना चाहे ले सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।